सुबह सुबह का टाइम है और जो बादल हैं बहुत ज़्यादा बादल हुए हैं और ठंड भी हुई है बहुत ज़्यादा। इधर की सफाई भी मैंने कर ली है। यहाँ पे सुबह सुबह आटा भी मैंने गूंद के रख दिया, आटा भी गूंद के रख दिया मैंने। और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। आज के ज़बरदस्त व्लॉग का करते हैं आगाज़, और आपने बहन भाई ने रहना हमारे साथ साथ, आगे का जो व्लॉग है आप बहन भाई के साथ शेयर करते रहेंगे हम। माशाल्लाह मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों का करवा दिया और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मुनीब के पापा भी सिद्दीक के साथ किसी काम से गए हैं, और शौकत भी गए थे बाज़ार, बाज़ार से लेके अंडे लेके आए हैं, और इसे भी साथ ले गया था, छोटे को भी साथ ले गए थे। बच्चों को छोड़ने की आता ना स्कूल। अच्छा सही है, मुझे दिखाओ उसमें, मुझे दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या लेके आओ भाई जान? अच्छा चने लेके आयो, ये भी दिखाओ। मैं देती हूँ रुकैया सिस्टर को, फिर वो रोटी वगैरह बनाते हैं, राबिया सिस्टर को, और भाई पप्पो को नाश्ता करवाते हैं। चलो फिर आप चलो। और आप कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो? मैं ये के लटके हुए थे। अच्छा गीले थे, बाकी तो ताली थे, मैंने कहा जरा। अच्छा ये लो आपका फिर सामान आया, फिर मैं अभी आपके लग जाती हूँ, दोनों रल मिल के ना फटाफट कर लेते हैं। हाँ जी, और जो बच्चों के लिए पराठे बना लेते हैं। चलो फिर ठीक है। शादी रोटी, हाँ वो ना राबिया को वो कहती है मुझे पराठे नुकसान देते हैं ना। सारा कुछ जी, फिर चलो फिर ठीक है। अब ये करो जी, भी यहाँ बैठी हैं, और भाई पप्पू भी बैठे हैं, और भाई शौकत भाई बैठे हैं। अभी यानी कि भाई ये अंडे वगैरह लाए हैं, तो उधर कोई सिस्टर नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। ये अब क्या गरम कर रहे हो? ये बिलाल के पापा के लिए सालन गरम कर रही हूं। अच्छा वो जो रात कल बनाया था जी, रात रख दिया था ना, मैंने कहा सुबह नाश्ते में दे दूंगी। अच्छा इसमें जाना बाकी थोड़े थे बच्चा जी। हाँ जी, क्योंकि सब में भाई वगैरह भी आए हुए थे, अम्मी जान भी थी। हाँ जी, नहीं वैसे एक बात है, आप रुकैया सिस्टर आपका ना समझना बड़े मजेदार बना। अभी तो बाजी अभी सही बना भी कोई नहीं, क्योंकि साले पूरे थे नहीं। अच्छा तो जैसे भी था मैंने कहा चलो बना देते हैं। नहीं ठीक है ना, नहीं माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बना हुआ था समझना आपका। महंगी सब्जी और बड़े मजे की बनती है। चलो फिर ठीक है, आप ये गरम कर लो। बेटा ने माशाल्लाह सारी सफाई वगैरह कर ली अच्छी से, बिल्कुल सहन बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, और बर्तन वगैरह भी सामने धो के टोकरी में रख दिए हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सेटिंग करी हुई है, और अब जी दे रही हैं गली की सफाई, क्योंकि रास्ते हम यहाँ से आते जाते हैं, तो यहाँ पे जब समय बैठे सफाई करी। हाँ जी बेटे, होगी सारी सफाई? हाँ जी सारी होगी। चलो माशाल्लाह। और आपकी अम्मी कहाँ गई हैं? अम्मी दादी के घर गई। अच्छा वो इससे उसकी सुमेरा बेटे की तबीयत ख़राब है ना, तो उसका मुझे लग रहा पता कर। मैं भी गई थी सुबह पता करने, तो कहती हैं अभी ज़रा ना भाई जिन्हें कि भाई अभी थोड़ी कमज़ोरी है, और ज़रा कभी ज़रा टाइम लगेगा ज़रा। चलो फिर ठीक है, आप ये झाड़ू वगैरह दे लो। हादी भी यहाँ पे आपके साथ खेलने लग रहा है। भाई शौकत भाई का समान अच्छी तरह गर्म करके कटोरी में डाल के रख दिया है, तो अब करने लगे हैं चने गर्म, क्योंकि लाए थे सुबह गर्म गर्म, ठंडे हो गए हैं। तो दोबारा गर्म कर लेते हैं। हाँ जी, फिर इसके बाद अंडे फ्राई करोगे आप? जी अच्छा चलो फिर ठीक। मैंने तो जैसा आपका दिन करा मैं वैसे बना देती हूँ, तो आप अपनी मर्जी से बना देंगे। अच्छा फिर मैं कहती हूँ दो फ्राई बना देती हूँ, तो दो नमक मिर्च वाले। अच्छा हाँ, जैसा उसका दिल करता है वैसे बना देना। ठीक चलो फिर आप ये अच्छी तरह गर्म कर लो, फिर मैं ना चाय का पानी लेके आती हूँ। चाय मुझे वहाँ से ऊपर से चढ़ के वहाँ डोंगे तार के दूँ, क्योंकि रुकैया सिस्टर ने जो फालतू बर्तन थे ना सारे यानी कि ऊपर से फील पर लगा दिए हैं, फिर बच्चों आपको पता है फिर बच्चे ख़राब कर देते हैं, जितने बर्तन ज़्यादा होते हैं तो बच्चे फिर उतने ज़्यादा ख़राब करते हैं। ऊपर चढ़ती हूँ यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। मुझे लग रहा है ये वाला डोंगा का रुकैया सिस्टर ने। डोंगे वगैरह मैंने उतार लिया ऊपर से, तो अभी इन्हें अच्छी तरह धोती हूँ पानी से, साबुन से धोती हूँ, और यहाँ पर मैंने बर्तन भी इकट्ठे कर रखती हूँ। जब नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद हम इनके भैया बर्तन वगैरह धोएंगी, अच्छी तरह धो लेती हूँ, फिर कोई असिस्टर को देती हूँ, चने वगैरह डालेंगे। लेते वगैरह डोंगे वगैरह धो के रखी हूँ, अब इसके ऊपर मारती हूँ कुछ कपड़ा कुछ को देंगी, और चने भी माशाल्लाह कोई असिस्टर ने गर्म कर दिए हैं, तो अब बनाने लग रही है पराठे जी। सादी रोटी बना ली थी बड़ों के लिए। हाँ जी, तो बच्चों के लिए जो है मैंने कहा पराठे बना, क्योंकि बच्चे पराठे नहीं रोटी नहीं खाते। हाँ जी, आग कैसे जल रही है? आग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जल रही है ना, सहूलत है हमें, सहूलत हो गया, एक बात है बड़ा सुकून हो गया। अब जहाँ दिल करता है वहीं बंदा रख के बैटरी पे चला लो, प्लेट पे चला लो, प्लेट पे चल जाए, बैटरी भी चल जाए और लाइट पे भी चल जाता है, इतनी सहूलत होगी माशाल्लाह चूल्हे की। हमारे लिए बहुत सहूलत है, अल्लाह ताला आपकी बच्चों की जिंदगी लंबी दे, अल्लाह ताला आपकी जो दुख हैं परेशानी हैं दुख हैं सारी दूर हो जाएं, बहुत ही अच्छी हैं। चलो फिर ठीक है, आप रुकैया सिस्टर पराठे बना लो। पराठे वगैरह माशाल्लाह रुकैया सिस्टर ने बना ली हैं, और बच्चों को भी दे दी हैं, और अब ये यहाँ पे जी अंडे वगैरह बना रही हैं, और यहाँ पे ये राबिया सिस्टर चने निकाल रही हैं गरम गरम,
साहब ससुर कहती मुझे भी कोई काम बताओ, मैं फारिग बैठी हूँ, कल से फारिग बैठी हूँ, मुझे भी हाँ जी। अच्छा रोटी बनवाई है? अच्छा माशाल्लाह। एक बात है, हमारी बहनों में ना रल मिल के काम कर लेते हैं, हम बहनों में कभी वो नहीं करा भाई ये आपने करना ये वो, जौन सा काम जिसे मिल जाता है वही काम कर लेता है। और आबे ससुर आपकी तबीयत ठीक है? नींद आपको सही आई थी? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। चलो ठीक है बहन भाइयों में नींद तो फिर खुद ही पखुद ही आएगी। चलो ठीक है आप डाल लो फिर इनके पे बड़ों के फिर नाश्ता देते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे अंडे को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, यानी कि अभी अच्छी तरह फेंट लिया। हाँ फेंट लिया, मैंने फ्राई कह दिया, बोलना नहीं आ रहा। अच्छी तरह हमने फेंट लिया। हमारा घी भी बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हुए हुए। डालो बिस्मिल्लाह। मैं डालती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, पहले नीचे उतार लेते। घी मेरा बहुत ज्यादा गर्म। अच्छा ज्यादा गर्म हुए हुए। चलो आराम से उतारना, कभी आपका हाथ जल जाए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बहुत ज्यादा गर्म। नहीं आप डाल दो, आप इतना आग जिनके वो हुई हुई ना आप डाल दो, हो जाएगा। माशाल्लाह देख कितना गरम हो गया तवा, ये अंडा आराम से बन गया इससे। हाँ जी बन गया ये, क्योंकि फुल गरम हुआ है ना, क्योंकि आग भी माशाल्लाह बहुत तेज जली हुई है, और यानी कि अंडा भी जबरदस्त हो गया। अब थोड़ा तवा ठंडा हो गया, अब इसे उसके ऊपर रख दो, चूल्हे के ऊपर रख दो। शाबाश सही है। अब होएगा जरा थोड़ी बहुत कसर है वो इस पे पक जाएगी। यहाँ पे अंडे भी रुके, सिस्टर ने फ्राई बना दिए हैं, और छुआने भाजन का निकाल दिया, दूध भी आ गया, और चने वगैरह भी निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। तो जिस तरह भाई जानी के भी बन जाएगा नाश्ता, फिर जानी के भी नाश्ता करवा देंगे बड़ों को। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान जो है खाला रुकैया ने लगा दिया इधर, और माशाल्लाह से सारे बैठ चुके हैं खाने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए। नहीं आप करें, हमने अभी मैं बैठेंगे मजा। नहीं मैंने कर लिया, मेरा पेट भरने को हो गया, मैंने नाश्ता भी करा, काम करके ना फिर करा मैंने नाश्ता। नाश्ता करने हैं तो दस्तरखान पे आके नाश्ता। हाँ जी सही है माशाल्लाह। चलो जी शुरू करें, आप करें नाश्ता। हमने सारा काम वगैरह कर लिया, उसके बाद हमने नाश्ता करा। हाँ जी आपके मामू जब जाते हैं चाय बना के चाय पी के फिर बता सामान के फिर जिनके भाई के घर जाएंगे घर करके फिर जाएंगे। फिर आपको पता बच्चे चाय बना के हाँ जी समेट समाट के फिर हम लोग जाएंगे। हाँ जी सही है। चलो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ, क्योंकि रात फिर हमने जाना था, फ्रेंड भी बहुत ज्यादा और बच्चे भी छोटे छोटे थे, इसलिए हम नहीं जा सके। हाँ जी चले ठीक है, फिर आप नाश्ता करें। चल आप भी बैठ, आप भी आ जाओ। नहीं मैं नहीं करती, मैंने अभी तो करा, आपको कहा तो नहीं करती, फिर हमें करवा दो फिर। चले आप करें। मैंने कप वगैरह मैं भी बेटा को धो दिया, और मैं भी बेटा बनाने लगी अभी चाय। तो नाश्ता वगैरह माशाल्लाह मैंने सब ने कर लिया, बच्चे भी खेलने लगे ना, बच्चों ने शोर बहुत ज्यादा करा हुआ। तो अब इसके बाद यानी कि पत्ती डाल दी है, दूध भी डाल दी है। तो मैं भी बेटा को हमने कहा अपने हाथ की जबरदस्त आपने चाय बना के पिलाई। हाँ जी हाँ बिल्कुल फीकी निकाल देने, मीठा डालना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको फिर हाँ जी पहले ये पकने दो ना, फिर उसके बाद फिर बाद में चीनी। चलो ठीक है मैं आप इसका कर मेरे कमर में डालो जाए। बेटा पहले चाय बना रही थी, फिर वो उसके अब्बू ने मुझे लगा कोई काम बताया तो चले गए, फिर उसके बाद मैंने रुकिया सिस्टर ने। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह जी चार कप है गरम गरम चाय राबे सिस्टर के लिए। राबे सिस्टर था आप चाय फिर पी के बताना कैसी बनी है चाय, मीठा कम तो नहीं है? अच्छा हाँ ये भाई जान के लिए फीकी निकाल लिया चाय, ये मैंने अपने लिए ये फीकी निकाली। अच्छा आपने तो फिर आपने बड़ा कप निकाल लिया, बस वो मैं अभी अपना मग लेकर आना ना मेरा। अच्छा अच्छा तो हाँ जी, तो यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा जाना नहीं था। हाँ जी दूर बहुत है, बाजार दूर है ना हमारे, अगर हम पैदल भी जाए तो फिर हमारे माशाल्लाह बच्चे आएंगे फिर। अभी मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। अच्छा तो कल भी बच्चे आ गए थे, हाफ टाइम में आ गए थे, तो मैंने कहा आपने
अच्छा चलो फिर ठीक है, ये फिर आप चाय पी लो, रोटी वगैरह बना लो, फिर चलते हैं उधर भाभी की तरफ से। ठीक है, घर से आ चुके हैं तो सामने ही जानवर बंदे हुए माशाल्लाह कितने ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह में जिसके भी अल्लाह मियां ने नसीब फरमाए। हाँ साफ सुथरी सफाई हुई भी है, यानी कि भाई ये हल वगैरह लगे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लगाए होंगे। इधर सामने यानी कि मुझे लग रहा है गंदम लगी हुई है, गंदम लगी हुई ये गंदम लगी हुई है। हाँ और उधर वो राबिया ससुर खड़ी है, अम्मी जी खड़ी है, उधर इनाम को उठा। हाँ जी ये गटर है ना यहाँ पे, हाँ ये गटर लाइन डल रही है यहाँ पे, वो उधर सामने हम दिखाएंगे आपको, बड़े बड़े पाइप है उधर डल रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, वो जितनी बोरिंग कर रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं। हाँ जी, और जो सारा जो शहर का पानी है सारा उसके अंदर दाखिल होगा। हाँ जी दाखिल होगा उधर सामने से, साइकिल मोटर वाले आ रहे थे क्योंकि सड़क पे है ना, तो फिर आपको पता कोई ना कोई आ रहा जा रहा। चलो फिर चलते हैं, फिर जाने में ज़रा टाइम लगेगा। चलो खच्चर वगैरह खड़ा है तो वो मुझे लग रहा है दाने वगैरह खा रहा है, तो जाने वगैरह ही बंधे हुए हैं। तो रुकिया सिस्टर पता नहीं इधर क्या देख रही हैं, कुछ दिखा है रुकिया सिस्टर आपको? अच्छा यानी कि भाई जो हमारे जितने भी विलेज का पानी होता है ना सारा इसके अंदर जमा होएगा। हाँ जी हाँ जी यही जमा होएगा सारा, ये फिर मुझे लग रहा है फिर आगे कहीं जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ सिस्टम ऐसा करेंगे ये आगे कहीं जाएगा। ऐसे है ना राबिया सिस्टर? हाँ जी। आपको पता है ना ये हमारा ये बना हुआ खूब बना हुआ उधर चौकाजा में भी ऐसे बना हुआ? नहीं ऐसे नहीं बना हुआ। चलो फिर ठीक है चलते हैं, फिर रुकिया सिस्टर को बुलाते हैं। चल जी भाभी घर हम आ चुके हैं, तो सामने ही मुर्गी और मुर्गा माशाल्लाह दोनों इकट्ठे बैठे हैं, सफाई वगैरह भाभी ने माशाल्लाह बच्ची साफ सुथरी करी हुई है। और अब चलते हैं चूल्हे वाली साइड पे, देखते हैं भाभी जान चूल्हे पे क्या खाना पकाना कर रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा भाभी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाभी? ठीक ठाक, आप सुनाओ? तबीयत ठीक है आपकी? मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, तो दवाई वगैरह ले आओ जाके। तो शुक्र भाजी कह रही थी दवाई लेने से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेती आ रही। क्यों? अच्छा वो या फिर बोतल मंगा लो या फिर पक्की वगैरह मंगा लो। हाँ जी हाँ वो खा लोगे ना अल्लाह का आराम आ जाएगा। हाँ जी वो भी बोतल मंगवाऊंगी मैं भाई के हाथ में। चलो फिर ठीक है। वो सच्ची अभी वो बाजी फातिमा और बाजी रुकिया गए हैं, तो उन्हें वो कह देते वास्ते के ले आते। इब्राहिम भी आने वाला है। अच्छा इब्राहिम भी आने वाला। और जी भाभी यहाँ पे मैं भंगार वगैरह दे रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी वो तड़का दाल को देना है मैंने। अच्छा मिक्स दाल बना रही हूँ क्योंकि वो फातिमा सिस्टर की जमीन पे ना मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं ना। हाँ जी तो उधर खाना जाना है, तो हाँ जी दाल मेरी तैयार होगी या कुकर में खोल के देखती हूँ। हाँ जी तो फिर मैं तड़का ना चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ तड़का लगाने के लिए। सही है। और तबे पे फिर मैं तबे पे नहीं तभी पे रोटी बनानी है। हाँ जी चलो फिर ठीक है। हाँ जी धनिया वगैरह भी आपने काट के रख दिया है। हाँ जी माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, जबरदस्त दाल तैयार हो गई है। अब इसमें यानी कि अभी मंगार देके इसके अंदर डाल दोगे? हाँ जी तड़का मैंने हाँ ये तो हल्की हल्की आंच में ना इसी में ही हो जाएगा। हल्की आंच पे नहीं हो, देखो मैं लकड़ी अंदर करती है। अच्छा जल्दी हो जाएगा, फिर शुक्रा से हमने ना रोटी बनानी है। हाँ जी फिर टाइम से ताकि चली जाएगी। हाँ जी फिर कौन दे के आएगा? देखो आपके भाई देके आएंगे या आपके भाई देंगे या तो फिर इसमें हम रोटी बनाएंगे इब्राहिम आ जाएगा या तो फिर वो ले। सही है ठीक है। चलो फिर ठीक है आप भंगार दे लो। ठीक है तो जी माशाल्लाह जी रोटी वगैरह हमने पका ली थी और यहाँ पे जमीन पे भी चले गए रोटियाँ, नोनी भाई लेके गया है और यहाँ पे भाभी अब यानी कि दोपहर की रोटी खाने लगी। चावल खा रही है ना भाभी आप? तो हाँ जी रात बनाए थे हमने ना चावल वो मिक्स सब्जी वाले। हाँ जी आलू मटर गोभी और बाजी इधर प्लेट साफ कर दिया दाल वाला। मुझे लग रहा है बाजी को बहुत अच्छी लग रही है दाल है ना की बने हुए माशाल्लाह। मैं पे ऐसे बनते नहीं है, मैं क्या खाती हूँ। नहीं माशाल्लाह बहुत ही मजेदार दाल बनी हुई है। पता क्या बाजी और मैंने माश की दाल नहीं ना खाते, तो इसमें माश की दाल भी डली हुई है ना, तो इसलिए बाजी को ना मजे की लग रही है। हाँ जी मैं प्लेट साफ कर रही हूँ, तो बची है दाल वो मैं बाजी सुनना तो होता है। हाँ जी खाना प्लेट साफ करना बाद में। आपने नहीं मैंने खा लिया बस एक ना 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 बस फुल हो गई आपने। चावल ही मैंने खाया, मैंने रोटी भी खाई, चावल भी माशाल्लाह बहुत मजेदार बने आपके चावल। वो कहते हैं चीज रखी हुई हो ना वो ज्यादा फिर बाद में खाना ज्यादा मजेदार लगती है। चलो फिर ठीक है आप खा लो। ठीक है चलो मौसम भी बड़ा जबरदस्त है और हल्के हल्के यानी कि धूप भी निकली हुई है। और जी यहाँ पे जी राबिया सिस्टर और भाई पप्पू जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हमने तो रोका था मैंने कहा एक दो दिन रह जाओ, मगर नहीं कहते हैं फिर पीछे अभी बच्चों का मसला है
भी स्कूल वगैरह जाने हैं तो इसलिए मसला है। तो मैं तो कैसे मन गया एक दो दिन मेरा भी रुक जाते आप। नहीं बस वो बच्चे ने ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, फिर अच्छा होगा। चलो फिर ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त मिलगी, उधर मैं सबको मेरा सलाम दे देना, ठीक है। चलो फिर अल्लाह में आपको खैर खैर से लेके जाए, खैर खैर से वापसी जाओ, वापसी फिर आओ यार के आना तो है ना आपने आखिर दोबारा, फिर हाँ इंशाल्लाह आना, क्यों नहीं आना। अल्लाह जी जा रहे हैं राबिया सिस्टर और भाई पप्पू भाई जा रहे हैं, अल्लाह में खैर खैर से लेके जाए, खैर खैर से अपने घर पहुँच जाए। हम आ चुके हैं तो राबिया सिस्टर भी चली गई अपने घर, तो यहाँ पे जी मुझे लग रहा है ये मकई है, मकई में पानी दिया हुआ है और मकई लगी हुई है जो सीटे वाली मकई होती है। हाँ जी हाँ जी, ये वो वाली मकई है, वो लगी हुई है। अच्छा, और यहाँ भी मकई लगी हुई है, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पानी नहीं अभी दिया। ये घास वाली मकई है। अच्छा, घास वाली है और ये सीटे वाली है। हाँ जी, ये देखो सारी मुझे लग रहा है सीटे वाली मकई है, और सामने ही हमारा घर है उस तरफ। हाँ जी हाँ जी, और फिजा भी आ रही है यहाँ पे हमारे साथ, और छोटी मानिया भी साथ आ रही है। कहती पप्पो मैंने भी साथ जाना है आपके साथ, रोने लग गई है अभी से, कहते ना घर जाओ, ना रोने लग जाती है, बच्ची है ना, प्यार है ना हमारे साथ, शाम तक खेलती रहेगी, कोई ना कोई आता जाता। हम घर आ चुके थे, घर आके हमने थोड़ी देर आराम करा है, सांस लिया, फिर अम्मी जी कहती है मुझे घर छोड़ के, और रुपया सिस्टर और अम्मी जी जा रही हैं घर अपने, तो अम्मी को हमने कहा, मैंने कहा एक दो दिन अम्मी आप रह जाओ, अम्मी जी मैंने कहा एक दो दिन आप रह जाओ हमारे पास, तीन दिन तो हो गए, मैं एक दिन वास्ते भी नहीं आई थी, वैसे मिलने वास्ते आई थी। अच्छा। आपने कहा भाई भाईजन आपका बीमार है। हाँ, मैं हमने तो कहा था, मैंने कहा भाई मेरा बेटा बीमार हो गया, बस जाने का तीन दिन तो हो गया, तीसरे दिन आप घर जा रही हूँ। चलो फिर ठीक है, चलो अच्छा अपना खैर खैर से अपने घर जाओ, क्या करूँ बुरी। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हाँ जाना पड़ता है। भाजन भी मुझे लग रहा है गदरौड़ी जोड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं जा रहे हैं, मैं बेटा भी साथ लगी हुई है। चलो अच्छा फिर आप जाओ, ठीक है रुपया सिस्टर मुझे को छोड़ है ना, फिर आप घर वाले भी परेशान हो रहे थे ना पीछे भी है ना। हाँ जी हाँ जी, बता देंगे कि भाई पापा की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से रह गई थी, मैंने रोक लिया था अम्मी को। अच्छा, तो अस्पताल भी हम लोग कल भी गए थे। इधर जो है आप ही जो है सब्जी काट रही हैं, फूल गोभी ना आप ही, अम्मी जान को, अम्मी जान को हम छोड़ के अभी आए हैं, अभी अभी पास छोड़ के आए जी, तोड़ घर तक छोड़ के आए, बस थोड़ा सा फासला था तो मैंने कहा अम्मी जान आप चले जाना, मुझे लेट हो रहा है, खाना बनाना है, रात हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं आ गए थे। अम्मी को तो मैंने रोका था, मैंने कहा अम्मी आप रह जाओ सुबह को, जी मैंने कहा कोई अब भी जाना है सुबह भी जाना है, इस बार भी आके मैंने तो कहा है, अम्मी ने कहा नहीं आगे तीन दिन रह चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैं घर जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा कोई ज्यादा मसला हो तो फिर हमें बता देना, अगर कोई मसला हो तो फिर हम बात कर देंगे, क्योंकि पहले इरादा था हमने जाना था तोड़ घर, फिर बस ठंड भी लग रही थी या कच्चे इलाके में, आपकी तबीयत भी खराब हो रही थी, गोली खाई है तो मैं गई हूँ अम्मी को छोड़ने। अम्मी कहती है आप मुझे छोड़ के आओ, मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जी चलो ठीक है, आप ही आप गोभी काटे हैं, फिर मैं बना रही गोभी आलू, फिर गोभी आलू काट के फिर इसके बाद फिर मसाला बनाऊंगी। चलो ठीक है, चलिए आप काटे फिर मैं भी अपना सामान तैयार करती हूँ, आगे जो है बहन भाई के साथ ब्लॉग शुरू। जी माशाल्लाह मेरा मसाला वगैरह भी सारा अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्चें भी काट के रख दी हैं, और जी यहाँ पे नीचे मैंने गोभी भी अच्छी तरह धो दी, आलू भी इसमें काट दिए हैं, और अब जी यहाँ पे माशाल्लाह जी मेरी आग भी हल्की हल्की जलने लग रही है, और घी गर्म हो चुका है, और माशाल्लाह जी हमारे घर आज मेहमान भी आने लग रहे हैं, तो नूरू भाई है और नूरू भाई की बेगम है, माशाल्लाह दोनों आने लग रहे हैं, तो मनीष के पापा भी गए हैं किसी का। हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप में जिक्र करा था भाई, नूरू भाई आ रहे हैं, नूरू भाई की वाइफ आ रही हैं, तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, काम कैसा जा रहा है आपका, सही जा रहा है, अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक है, हाँ जी सब ठीक है, ले आते हैं अम्मी अब्बू को भी, अम्मी अब्बू बस आएंगे फिर कभी चक्कर लगाएंगे। अच्छा फिर आएंगे अब इकट्ठे ले आते, चलो आप भी आए हैं तो दोनों हम दोनों आ गए ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर आप बैठो, फिर मैंने वो जी मेरा मसाला भी अच्छी तरह मैंने बुनाई कर लिया, तो मसाला हो गया बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे गोभी डब्बी में डाल के रखी थी, और इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अच्छी तरह यहाँ के बुनाई करके फिर इसके बाद ना इसे हल्की आँच पे रख दूँगी, तो ये इसका पानी खुद ही छूट जाएगा, फिर हल्की आँच पे ना अच्छी बन जाएगी। पापा भी आ चुके हैं, इनाम को गोदी में ले लिया, और यहाँ पे ये मैंने अच्छी तरह इनकी गोभी की अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है, तो थोड़ा सा और चम्मच मार दी, क्योंकि चूल्हे में से ना आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है चूल्हे में कोई खराबी है, अब इसे मैं ढक देती हूँ भाई
किया उसमें, बस इसे थोड़ा ना चूल्हा ज़रा कम कर देती हूँ। वैसे भी हल्की हल्की आँच जलने लग रही है, इसी आँच में ना ये पक जाएगी अच्छी सी गोभी।